सर आप एक युवा, सबसे पहले आपने मतदान किया, बहुत बहुत बधाई इसके लिए आपको। अब आप ये बताइए आपने जो मतदान किया है किस मुद्दे को लेकर किया? युवा है, युवा में बेरोजगारी सबसे ज्यादा मैम मुद्दा है, आपने किस मुद्दे को लेकर किया? बेरोजगारी मुद्दा बात एक अलग है, हर इंसान को अपना रोजगार करने का हक है, अगर वो काम करना चाहे तो हर तरीके से कर सकते हैं, इसके लिए वो गवर्नमेंट कोई भी हो किसी को दोष नहीं दिया जा सकता है। लेकिन इस बार बताया गया जैसे भारतीय जनता पार्टी की जो मौजूदा सरकार थी काफी लोग बेरोजगार हुए हैं, काफी लोगों की नौकरी गई है क्योंकि कोविड का भी टाइम रहा है 2 साल जिसमें काफी समय लॉकडाउन रहा, तो काफी स्थिति खराब हुई, इस बारे में आपकी क्या राय है? कोविड के कारण देखिए केवल यहाँ पे नहीं हुई है, देश विदेश हर जगह हुई है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कतें हुई है, इसके लिए ये तो नहीं हो सकता ना कि गलत चीज सुन ली जाए। और मैं अपने प्यारे देशवासियों से, सभी भाई बहनों से और सभी युवाओं से अपील करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा वोट करें ताकि भविष्य की राजनीति को सही किया जा सके। बिल्कुल साफ तौर पर होता है कि जो युवा हैं उनका लगातार रोजगार के साथ साथ अहम मुद्दा सुरक्षा और राष्ट्रहित भी देखा जा रहा है, क्योंकि अब जी बिल्कुल बिल्कुल। और हिमांशु, अंजनी श्रीवास्तव गठबंधन से आप प्रत्याशी हैं, क्या लग रहा है जनता कितनी खुश है? मैं भारतीय जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी बनाए गए अंजनी कुमार श्रीवास्तव जी पश्चिम विधानसभा जी जी। अब इनसे जनता से और जनता इनसे जानते हैं कि किस प्रकार से खुश है, कितना खुश है जनता उनसे, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी बनाए गए हैं। हमारे साथ और भी कुछ युवा लोग हैं जिनसे मैं बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी बनाए गए अंजनी कुमार श्रीवास्तव जी, तो भारतीय जनता पार्टी की जो मौजूदा सरकार है उनसे कार्यों से आप कितना खुश है, क्या है? तो नहीं है बिल्कुल, क्या बताया जाए, कितना कार भाई सड़कें देख के जाए कि हमारे गली में इतना कूड़ा पड़ा रहता है और क्या बोलते गड्ढे भी हैं, कहते हैं कि भाई जल्दी से भाई सही करवा दें ताकि तो हमारी सरकार काम करती है बढ़िया। मोदी जी नहीं, मोदी जी और योगी जी से आप खुश हैं सरकार से, लेकिन है तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, इस बार एक अलग लहर चलेगी, मोदी योगी के नाम पे वोट जाए, प्रत्याशी के चेहरे को ना देखा जाए, इसमें बारे में आपकी क्या राय है? देख के ही वोट डालेंगे।